नंबर वन, ये वीडियो एली नाम के एक लड़की ने बनाई थी जो कि एपलेचियन के माउंटेन्स में रहती होती थी। एंड वो ये वीडियो एक रात को रिकॉर्ड कर रही थी जब अपने दोस्त के साथ में किसी ट्रिप पर जा रही थी अपनी कार के थ्रू एंड मज़े वगैरह कर रही थी। बट उनको उस टाइम पर जो चीज़ें रिकॉर्ड करने को मिल रही थी उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का हिंट नहीं था कि ये कितना बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है इन दोनों के लिए। Waiting for connection. Bluetooth connection success. वो दोनों आराम से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी अचानक से एक जगह पर रुक जाती है एंड वो दोनों चेक करने के लिए उतर जाते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या। एंड आसपास तो उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता एंड गाड़ी में भी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें समझ आ सके कि ऐसा उनके साथ में क्यों हुआ है। बट उन्हें कुछ आवाज़ें दूर से सुनाई देती हैं एंड पीछे से कुछ विस्परिंग की थोड़ी सी आवाज़ें भी उनको बार बार आना शुरू हो गई थी अचानक से। एंड वो रिकॉर्डिंग करते हुए गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं जब वो इन चीज़ों से डरना शुरू हो जाती हैं एंड तभी उनकी गाड़ी के बाहर से नोकिंग की आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं जबकि गाड़ी के बाहर डेफिनेटली कोई भी अवेलेबल नहीं था। वेल उसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। एली की फ्रेंड डेफिनेटली ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही थी लेकिन एली खुद बिल्कुल भी डरी नहीं थी ये सारी चीज़ें देख कर एंड उनके लिए बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था। वेल आपको क्या लगता है, ये कोई रियल घोस्ट है या बस एक हॉक्स? अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। नंबर टू, ये वीडियो डस्टिन नाम के एक पर्सन ने बनाई थी एंड अपलोड करी थी एंड ये भी एपलेचियन माउंटेन्स में ही रहा करता था। बट ये पर्सन पर्सनली बहुत घने एंड पुराने माउंटेन रीजन की तरफ में रहता होता था एंड जब से ये यहाँ पर रह रहा है यहाँ पर इनको बहुत सारी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज हमेशा होती हुई नजर आ जाती है। डस्टिन के साथ रिसेंटली ही कुछ एक्टिविटीज वापिस से होना शुरू हो गई थी एंड एक रात को तो चीजें इतनी ज्यादा क्रीपी एंड इतनी ज्यादा वियर्ड हो जाती हैं कि उनको विंडो के बाहर से कुछ अजीब आवाजें अपने आने लग जाती हैं एंड जब उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो समथिंग लाइक दिस वॉज कैप्चर्ड।
there's a security light right over here, and it just was on, and then it went off. Oh, it just came on again. उसको बाहर की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन बाहर की तरफ देखने के बाद उसे एज सच कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन सेम चीज़ वापस से रिपीट होती है। एंड जब इन्होंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्होंने बस इनको एक ही चीज़ बोली कि अगर उनको कोई वॉइस सुनाई दे तो उस चीज़ के रिस्पॉन्स में उसकी तरफ मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। एंड वो ये कर देता है, जिसके बाद उसको और भी ज़्यादा वर्स चीज़ें फेस करने के लिए मिल जाती हैं। हालांकि इनका सिलसिला यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। एक रात को वो अपने किचन से कुछ लेने जाते हैं, एंड तभी उनको कुछ फिर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी तो उसके बाहर से किसी की आवाज़ आ रही थी, जो कि बिल्कुल उसके आवाज़ में ही उसको गेट ओपन करने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद लोगों का कहना था कि ये कोई मिमिक कर रहा है शायद उनकी आवाज़ों को। लेकिन द स्केरियस पार्ट इज़ कि ये आवाज़ें इनको रात में फिर से आने लगती हैं, एंड ये सारा सिनेरियो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। उनको अपने रूफ़ के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ भी इस बार आ रही थी। एंड अगली रात तो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। रात के अंदर वापस से उनको नॉकिंग साउंड्स आने लगती हैं, एंड किसी के बोलने की आवाज़ फिर से सुनाई दे रही थी, जिसके बाद उसके घर के अंदर से भी किसी की रनिंग की आवाज़ आ रही थी। एंड दोनों आवाज़ें सुन के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, एंड वो तुरंत रूम में भाग जाता है, जिसके कुछ दिन बाद वो अपने फ्रेंड के साथ लोकल मेरिनो एक्सप्लोर करने निकल जाता है। एंड उसको लगता है कि यहाँ उसको कुछ भी नहीं होगा, बट यहाँ भी उसका पीछा कोई कर रहा था। Okay, so here we go. Here's some water. Did you hear that? Like, here's some more. I know, she kind of look rickety. Oh, she very rickety. But so apparently some people, they live out here, and then other people, they just like rent it for the seasons. And I don't know. I feel like I couldn't live on the water. Oh, fuck. Yeah, I hate that shit. Anyways. I tripped. but... I thought I heard something, but... Yeah, we should probably... head on because it's like starting to rain and stuff, but
footsteps. We gotta go. उसको किसी की आवाज़ आ रही थी लगातार, लाइक हेल्प, जंप इन। एंड उसके वॉक करते टाइम उसके पीछे से एक अजीब सा क्रिएचर भी नज़र आना शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद उन्हें कुछ तेज़ आवाज़ आती है एंड वो डर के रूम में भाग जाता है। बट फिर रात के बीच में उसकी नींद वापस से खुलती है एंड उसके बाद वापस ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई थी उनके साथ में। उसको लगातार किसी के बोलने की एंड नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, जिसमें कोई ओपन करने को कह रहा था उसको कोई चीज़ को। लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के घर रहने गया ये सोचते हुए कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वियर्ड हो रही हैं, तब उसका पीछा तब भी उस एंटिटी ने नहीं छोड़ा। एंड वहाँ पर जाने के बाद उसने अपने आसपास सीसीटीवी कैमरास अच्छे से इंस्टॉल कर दिए थे, ये उम्मीद में कि कुछ ना कुछ कैप्चर इसमें ज़रूर होगा। एंड ऐसा हुआ भी। So I just got home from work and I found this on the ground. And I don't know if you can tell, but it looks like it is busted. रात को अचानक से कुछ आवाज़ फिर से आना शुरू हो जाती है, जिससे कुछ ही सेकंड्स पहले वहाँ से डॉग उठ के निकल जाता है, जिसके बाद वापस उसको गेट ओपन करने की आवाज़ आती है एंड शाउटिंग की भी आवाज़ अगले दिन आना शुरू हो जाती है। वो काम से वापस आता है तो उसे टूटा हुआ कैमरा देखने को मिलता है। वेल, अब उसको ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी अंदर से, क्योंकि मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फेस करते थे, लेकिन डस्टिन का कहना है कि इतनी ज़्यादा किसी ने भी नहीं करी थी। एंड वो इसी वजह से रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था काफ़ी दिनों से। इस माउंटेन रीजन में क्या सच में इतने ज़्यादा हॉन्टेड स्पिरिट्स रहती हैं? वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। नंबर 3, ये वीडियो रेडिट पर शेयर करी थी किसी पर्सन ने एंड उस यूज़र ने पोस्ट करते हुए ये बताया था कि वो कुछ दिनों से अपने घर में काफ़ी क्रीपी चीज़ें फील कर रहा था, जिसके बाद उसने अपने घर में एक वीडियो कैमरा सेटअप करने का सोचा, जिससे वो इन चीज़ों पर नज़र रख सके। एंड इंस्टॉलेशन के बाद ही उसी रात को उसकी वाइफ के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि कैमरा भी फॉर्चुनेटली अपने अंदर रिकॉर्ड कर चुका था। जब वो रात को अपने किचन के डाइनिंग एरिया में बैठकर सीरियल का एक बॉक्स खोलने का ट्राई कर रही थी, तभी उसको किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि उसके घर पर डेफिनेटली उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड पूरे घर को घूम कर देखा, बट उनको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सडनली उनके डॉग्स भी किचन एरिया में आने से डरने लगे एंड ऐसे फील कर रहे थे वो जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है। असल में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। लेकिन इस सिचुएशन के ऊपर इस वीडियो
के ऊपर आप लोग अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। नंबर 4, ये वीडियो एक टिकटॉक यूज़र ने अपलोड करी थी एंड हमारे साथ में शेयर करी थी, जिसमें उनके साथ में कुछ बहुत ही टेरिफिक चीज़ें आकर होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद उसके घर में हो रही एक्टिविटीज से परेशान होकर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए काफ़ी सारे कैमराज इंस्टॉल कर दिए थे अपने घर में, जिसके बाद एक रात को उनकी नींद खुल गई थी एंड ऐसा कुछ देखने के लिए मिल चुका था उनको। उसको रात को अचानक से गेट के हिलने की आवाज़ आ रही थी, जो कि खुद से ही मूव कर रहा था, जबकि वहाँ पर हवा का फोर्स भी अवेलेबल नहीं था एंड ये गेट बहुत देर तक खुद से ही मूव कर रहा था। वेल, इसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या कोई रियल स्पिरिट इनको कोई इनविटेशन या फिर कोई मैसेज देना चाहती थी, आपको क्या लगता है? नंबर 5, ये वीडियो एक टिकटॉक यूज़र मैंडी ने हमारे साथ में शेयर करा था, जिसके अंदर उसने अपने घर में एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज को अपलोड करा था एंड डेफिनेटली कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ को अपने घर में होता हुआ देख लेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी उस जगह पर रह पाएगा, वो भी ढंग से। ये कैमरा फुटेज इनके छोटे बच्चे की एक रूम की है, देखिए इसमें क्या कैप्चर हो गया था। स्टार्टिंग में तो हमें कुछ भी देखने को ऐसा सच नहीं मिलता, बट कुछ देर बाद उस रूम के विंडो में हमें एक वाइट ड्रेस्ड पेल फिगर देखने को मिल जाती है, जो कि बारी बार अपने हैंड्स को मूव करके वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो कर रही थी एंड विंडो के बाहर हम क्लियरली एक पेल से फिगर को भी देख सकते हैं। रूम की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं खुद से एंड इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद एंड साक्षात एक फिगर देखने के बाद अपने घर के बाहर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड सभी फॉलोअर्स की भी अपनी हेल्प लेना शुरू कर दी थी उन्होंने। लेकिन आप लोगों की क्या सलाह होगी इनके लिए, जरूर लिख दीजिए कमेंट्स में। नंबर 6, ये वीडियो एक टिकटॉक यूज़र ने ही हमारे साथ में शेयर करी थी, जो रात को ड्राइव करते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे एंड ये वीडियो उन्होंने अगस्त 6, 2021 के टाइम में सुबह के 4:30 बजे के आसपास में रिकॉर्ड करी थी एंड वो हाईवे से कैनेडा के लिए जब ड्राइव कर रहे थे तब वो एकदम नॉर्मल स्पीड से जा रहे थे एंड इसी दौरान में उनके पास से एक और कार निकल जाती है एंड ये देखने के लिए उन्हें मिल जाता है। रोड के साइड में उसे एक लेडी शो अप हो जाती है, जो कि वाइट ड्रेस पहनकर वॉक कर रही थी, जबकि इतनी रात को वहाँ पर किसी वुमेन का अकेला होना किसी इत्तेफाक की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी एंड जैसे ही वो घोस्ट या फिर कोई स्पिरिट या फिर मे बी जस्ट एक
स्केरी सी ह्यूमन बींग वहाँ पर ऐसे मूव अराउंड कर रही थी। तो उसको देखते देखते वो काफ़ी ज़्यादा इस सोच में पड़ गए थे कि उन्हें इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो पहले अपनी ही मदद क्यों ना करें। अपने थॉट्स वैसे ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों के हिसाब से वो फिगरीन किस चीज़ की थी। नंबर 7, ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल के ऊपर से ली गई है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड एशियंट मिस्ट्रीज़ की स्टोरी के पीछे की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को शो किया करते थे। बहुत सारे डिफरेंट फुटेजेस भी यहाँ पर शो करी गई हैं एंड ये वीडियो एक फ्रेंच ट्रेल कैमरा पर रिकॉर्ड करी गई थी जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर की फुटेज है एंड अक्टूबर 2018 की रात को ये रिकॉर्ड करी गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा चिलिंग नज़ारा इसके अंदर कैप्चर हो गया था। देखिए एक बार बहुत ध्यान से। इस वीडियो में आपको एक एलियन लाइक क्रिएचर इधर उधर वॉक करता हुआ शो अप हो जाता है एंड वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। बिल्कुल स्किनी एंड पेल से कलर में हम उसको देख सकते हैं। वो कुछ सेकंड्स में कैमरा के सामने वॉक करता हुआ इधर उधर जा रहा था लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा नहीं होता एंड कुछ ही देर में वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल था लेकिन आप लोगों के हिसाब से वो क्या चीज़ थी? दोस्तों फ्यूचर में भी ऐसी हॉन्टेड एंड स्केरी वीडियोज़ इन्जॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस स्केरी बिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके याद से रख लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी हॉरर डोसा आप कभी भी मिस ना कर बैठो।